साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं में ही मतभेद देखने को मिल रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में सियासी भूचाल लाने के बाद अध्यक्ष पद की दावेदारी से अपना नाम वापस ले लिया है। तो वहीं नामांकन के आखिरी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पर्चा भर सभी को चौंका दिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस में सियासी सरगर्मियां तेज, नए अध्यक्ष की जल्द होगी ताजपोशी। सीएम अशोक गहलोत अध्यक्ष की रेस से हुए बाहर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरी दिन कराया नामांकन। खड़गे और शशि थरूर ने पेश की दावेदारी। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कई नेताओं में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। सभी नेता अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर अपनी पेशकश देते दिख रहे हैं। जहां कुछ दिनों तक राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के नाम की चर्चा अध्यक्ष पद को लेकर चल रही थी, जिसको लेकर राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट में सीएम पद की दावेदारी को लेकर खींचतान साफ तौर से देखने को मिली, तो वही अब शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन खड़गे ने पर्चा भर के सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। दोनों ही नेता दक्षिण भारत से आते हैं, जिनमें से खड़गे गांधी परिवार के सबसे विश्वसनीय नेता भी हैं। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद की दावेदारी से हटने के बाद गांधी परिवार ने खड़गे पर भरोसा जताया है। बता दें कि खड़गे 11वें गैर गांधी अध्यक्ष बनने की राह में सबसे आगे चल रहे हैं। गांधी परिवार के वफादारी के चलते आजादी के बाद कांग्रेस के 11वें अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में राज्य मंत्री से लेकर केंद्र सरकार में मंत्री के पद पर रह चुके हैं। खड़गे लोकसभा और राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता रह चुके हैं और कई बार कर्नाटक के सीएम बनने को लेकर उनके नाम की पेशकश की गई, हालांकि वो कभी सीएम नहीं बन सके। पीएम मोदी ने 2018 के कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि खड़गे दलित नेता हैं, इसीलिए उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। पीएम का बयान विपक्ष में फूट डालकर खड़गे को अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश की थी। अगर खड़गे चाहते तो कांग्रेस के सीएम एसएम कृष्णा की तरह वो भी बीजेपी के साथ जा सकते थे। खड़गे ने सभी आलोचनाओं को दरकिनार कर कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी कायम रखी। वर्तमान समय में खड़गे दलित समुदाय से आने वाले कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। एक तरफ जहां कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान जारी है, तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाल कांग्रेस अपने लिए राजनैतिक जमीन तलाशते हुए नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के गुल्लर से कर्नाटक राज्य में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कोविड-19 रोगियों के परिवार से मुलाकात की, जिनकी ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई थी। कन्याकुमारी से 7 सितंबर से चालू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी 2023 को जम्मू में संपन्न की जाएगी। कांग्रेस के सियासी संकट के बीच वरिष्ठ नेता ने अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन किया है। अब देखना ये है कि कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष के साथ विपक्ष पर कितनी हावी होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।